कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यू टैब में जाकर विंडो ब्लॉक के कुछ ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप विंडो करके, विंडो एक ब्लॉक है जिसमें व्यू विंडो एक ऑप्शन है। इसके लिए मुझे इसमें एक मैटर लिखना होगा। मैं सबसे पहले इसमें एक मैटर लिख देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 21 पेज लिख दिए हैं। इसमें मैंने किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है वैसे तो मैटर को, 21 पेज यहाँ पर हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी टाइप की, इसी मैटर की एक और कॉपी तैयार करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस मैटर को यहाँ से सिलेक्ट करें पूरा। सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉपी होम में जाकर कॉपी कर लें, दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करके फिर से पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको इसी मैटर की सेम टू सेम दूसरी कॉपी चाहिए है तो क्या करें, व्यू ऑप्शन में जाकर न्यू विंडो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी टाइटल वर्ड पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए आप लिखा हुआ है 1:2, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, दो फाइल आ चुकी हैं लेकिन दोनों फाइल में जो मैटर है वो एक जैसा ही है। यहाँ टास्क बार पे आप देखेंगे विंडो का एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं जिसके अंदर मैटर सेम टू सेम है। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। आप इस पे क्लिक करके कितने भी बार इसी डॉक्यूमेंट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसके अंदर जो भी आप लिखा होगा मैटर सब में एक जैसा ही आएगा। एक और है अरेंज ऑल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे आपकी अप एंड डाउन में फाइल खुल जाएगी। यानी ध्यान रखिए जो आपने न्यू विंडो खोला होगा तभी इसके बाद अरेंज विंडो, सॉरी अरेंज ऑल ऑप्शन यूज होगा। इससे हम पेज को अप एंड डाउन करके यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये विंडो लेफ्ट राइट में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू साइड बाय साइड, यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जो विंडो है अब लेफ्ट राइट में आ गई है, यानी अरेंज से अप एंड डाउन में आती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था जिसका नाम था व्यू साइड बाय साइड, इससे हम क्या कर सकते हैं, विंडो को लेफ्ट राइट में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको पेज को अप एंड डाउन करना है तो आप क्या करें, पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं डॉक्यूमेंट 1:1 की फाइल को डाउन कर रहा हूं तो सेकंड अपने आप डाउन जा रहा है पेज का। देखिए सेकंड फाइल का पेज अपने आप डाउन जा रहा है। अगर मैं अप कर रहा हूं फर्स्ट को तो ये भी अपने आप हो रहा है। इस तरह से दोनों ही काम एक जैसे कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना वर्क करे, यानी कि अगर हम इस पे काम करें तो केवल इसका पेज ही मूव हो, दोनों फाइल का एक साथ पेज मूव ना हो, यानी मैं स्क्रॉल करता हूं, देखिए मैं नीचे कर स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रॉलिंग करने पर, ये देखिए स्क्रॉल करने पर क्या हो रहा है, एक साइड में काम कर रहा हूँ जबकि दूसरी अपने आप काम, दूसरी साइड अपने आप काम हो रहा है। तो इस कंडीशन को अगर आप बदलना चाहते हो तो इसके लिए एक ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे अब मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा तो केवल इसी साइड का पेज मूव होगा। ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड का पेज एक साथ मूव हो तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जिसका नाम होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये देखिए लिखा आ रहा है नीचे, हम क्लिक करते हैं, अब आप पेज को अप एंड डाउन करेंगे, ये देखिए दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं जबकि मैं केवल माउस से इसके लेफ्ट साइड की विंडो पर ही क्लिक काम कर रहा हूं। लेकिन आपको लगता है कि जब मैं अलग अलग तरह से वर्क करूं, इस पर अलग वर्क हो, इस पर अलग वर्क हो, तो आप क्या करें, इस ऑप्शन पर पहुंच के जिसका नाम है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे अब मैं इस साइड की विंडो पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ नहीं काम कर रहा है और यहाँ काम करता हूं तो इसमें अलग अलग तरह से वर्क हो रहा है। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसको वापस अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या एक साइड की विंडो को बंद करके इस तरह से इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसका नाम है मैक्सिमाइज, क्लिक करते ही ये साइज इसकी बड़ी कर देगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि एक और ऑप्शन है स्प्लिट, इसको समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि माउस के पॉइंटर पर एक लाइन आपको दिखाई देगी। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे मैं बीच में आ गया पेज के, एक लाइन आप देखेंगे माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आप इस लाइन को कहीं पर भी क्लिक कर दे माउस से लेफ्ट बटन पर। ये देखिए अब हुआ क्या है, पेज को दो पार्ट में बांट दिया है, यहाँ पर अलग तरह से काम करेगा, यहाँ अलग काम करेगा। आप देख रहे होंगे लेफ्ट राइट साइड में स्क्रॉल बार आ रही है दोनों, आप इसके नीचे इसके ऊपर, आप यहाँ पर इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। आप किस नंबर पेज पर हैं आप क्लिक करें इस पर और स्टेटस बार पे देखें, अभी 9 नंबर पेज पर हैं।
यहाँ पे नीचे क्लिक करें, अब नीचे वाली विंडो स्क्रॉल होगी, इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी आप किस पेज पे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 16 नंबर पेज पर हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको फर्स्ट पेज स्टडी करना है इसका, फर्स्ट पेज और किसी अदर पेज को एक साथ देखना हो, हम स्प्लिट का यूज करते हैं। ये लाइन कैसे हटती है, इसी पे क्लिक करके हट जाएगी। आपको एक और बार बताना चाहूंगा, जैसे इसमें फर्स्ट पेज है, आप स्प्लिट पे क्लिक करें। अब कोई आपसे बोलता है फर्स्ट पेज और मुझको कोई अदर पेज एक साथ पढ़ना है, आप क्या करें, स्प्लिट पे क्लिक कर दें। स्प्लिट पे क्लिक करते ही लाइन आएगी, आप कहीं भी क्लिक करें तो आप देखेंगे ऊपर फर्स्ट पेज है, या किसी और नंबर पेज को खोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड खोल दिया है, यहाँ पर सेकंड है। अब इसमें नीचे आप किसी और नंबर पेज को खोल सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर मैंने 9 खोल दिया है, 9 पेज ओपन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला पेज कौन सा है, 2 है, ये इस बार से पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला पेज कौन सा है, 9 है। इस तरह से आप एक साथ दो पेजों को स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, इसको अगर लाइन को हटाना है तो इसी ऑप्शन पे देखिए आप रिमूव लिखा है ना, इसी से आप हटा सकते हैं, इसी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें है रीसेट विंडो पोजीशन, आप यहाँ पे क्लिक करें। एक बार मैं न्यू विंडो खोलता हूँ क्योंकि इसमें अभी विंडो 1 ही है। यहाँ पर देखेंगे दो विंडो आ गई है, व्यू में जाते हैं। व्यू में क्या होता है, यहाँ पर रीसेट विंडो, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे ये, आपने जब इस तरह से विंडो को खोल रखा हो, आप पेज की विंडो को यहाँ से अप एंड डाउन कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको खिसका दिया है, अब ये मूव हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये अरेंज नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यानी कि कभी भी विंडो को आपने इस तरह से मूव कर दिया हो, इनकी पोजीशन सही नहीं आ रही हो, तो आप क्या कर दें, केवल ऑप्शन पे जिसका नाम है रीसेट विंडो पोजीशन, तो ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, इसको एडजस्ट कर देगा लेफ्ट राइट में, यानी कि साइड बाय साइड से। इसके अलावा आप कौन सी विंडो, अभी जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज को, अभी आप कौन सी विंडो पे हैं, सेकंड पर हैं, तो कैसे पता चल रहा है, टिक से। अगर आप फर्स्ट पे जाना चाहते तो यहीं से आप फर्स्ट पे आ सकते हैं। अगर आपने इससे भी ज्यादा विंडो खोल रखी है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 3 हो गया है, टाइटल बार पे देख सकते हैं आप 4 हो गया है, तो आप व्यू में जाके जब करेंगे स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी, यानी जितने भी आपने खोल रखे होंगे सभी की एक लिस्ट आएगी। अब आपको किस विंडो को ओपन करके देखना है, आप इस पे क्लिक करें, 2 आ गया है, ऊपर टाइटल बार से पता चलेगा। इसमें देखिए अब 1 पे आ गए हैं आप, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल बार पे चेंज हो रहा है, और जिस पर टिक होगा वो चीज आपके सामने खुली होगी। फिलहाल इस ब्लॉक में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।